हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कोल्हापुरी कट वड़ा। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पैन अच्छे से गर्म हो गया है। पैन में हम 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है। गैस की आँच को मीडियम रखेंगे। 3 हरी इलायची डालेंगे, 3 लौंग, 2 टुकड़ा दालचीनी, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच खसखस, 6 से 7 कली लहसुन की, 2 हरी मिर्च है जिसे हमने तोड़ लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे, मसालों को थोड़ा सा भूनेंगे। मसालों को हमने थोड़ी देर भून लिया है। अब इसमें हम 1/2 कप नारियल का बुरादा डालेंगे। आप चाहें तो नारियल के बुरादा के जगह ताजे नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़ा प्याज लंबाई में कटा हुआ मिक्स करेंगे और प्याज का हल्का कलर चेंज होने तक भूनेंगे। देखिए, बीच बीच में चलाते हुए हमने प्याज का कलर चेंज होने तक पका लिया है। बस प्याज को इतना ही ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इतना प्याज ब्राउन होने में 4 से 5 मिनट का समय लग जाता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 2 बड़ा टमाटर डालेंगे कटा हुआ, नमक स्वाद के अनुसार। अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर गलने तक पकाएंगे, 4 से 5 मिनट तक। गैस की आँच को मीडियम रखेंगे। देखिए, बीच बीच में चलाते हुए हमने टमाटर सॉफ्ट होने तक पका लिया है। इसी तरह से पकाना है। मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। आप देख सकते हैं तेल अलग होने लगा है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसे पीसेंगे। जब तक हमारा मिश्रण ठंडा हो रहा है तब तक हम वड़ा के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। तेल गर्म हो गया है। 1/4 चम्मच राई डालेंगे, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग। मिक्स करेंगे। राई चटकने लगी है। अब इसमें हम 6 से 7 करी पत्ता डालेंगे कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है ताकि अदरक और हरी मिर्च का कच्चा टेस्ट निकल जाए। अब इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम गैस की आंच को बिल्कुल धीमी रखेंगे। 8 आलू है जिसे हमने बॉईल करके छील कर मैश कर लिया है। आलू डालेंगे। आलू को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ता। अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट पकाएंगे। इस तरह से दबाते हुए मिक्स करेंगे ताकि आलू का जो बड़ा टुकड़ा है वो अच्छे से मैश हो जाए। देखिए, मिक्स करते हुए हमने 2 मिनट तक पका लिया है। वड़े की स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और स्टफिंग को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रखेंगे। कट के लिए जो हमने मसाला तैयार किया था वो मसाला पूरी तरह से ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम बिना पानी के पीसेंगे। मिश्रण को हम मिक्सी के बर्तन में डालेंगे। देखिए, हमने अच्छे से पीस लिया है। अब इसे हम साइड में रखेंगे। जिस पैन में हमने मसाला भुना था उसी पैन में हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हम पैन में 3 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे।
कट बनाने में तेल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे, 6 से 7 करी पत्ता मिक्स करेंगे। जीरा हल्का ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम पिसा हुआ पेस्ट डालेंगे और धीमी आंच पर तेल अलग होने तक भूनेंगे पूरे 5 मिनट तक। इसी तरह से हम बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। इतना मसाला भुनने में 5 मिनट का समय लगा है, आप देख सकते हैं मसालों से तेल अलग होने लगा है। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार। बहुत कम नमक डालेंगे क्योंकि मसाला भूनते समय भी हमने नमक का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मसालों को हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 1 से 3 कप पानी डालेंगे क्योंकि कट पतला बनाया जाता है और तीखा। मिक्स करेंगे। और अब इसे हम 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। देखिए कलर कितना अच्छा आया है कट का, इसी तरह का कलर होना चाहिए। देखिए इसे हमने अच्छे से पका लिया है, कट बनकर तैयार है। कट इसी तरह से बनना चाहिए, आप देख सकते हैं तेल ऊपर तैर रहा है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और वड़ा बनाएंगे। अब हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। 1 बड़े बॉल में 2 कप बेसन डालेंगे, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, नमक स्वाद के अनुसार। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे और गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो बेसन में गुठली आ सकती है। देखिए इसी तरह से बेसन को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, बैटर बनकर तैयार है। इतना बैटर तैयार करने में हमने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसी तरह का बैटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला, आप देख सकते हैं। अब इसे हम साइड में रखेंगे। आलू का मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो गया है, हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, अब हम वड़ा बनाएंगे। कट के लिए वड़ा थोड़ा सा बड़ा साइज का बनाया जाता है। इसी तरह से हम सारे बनाकर तैयार करेंगे। वड़ा को फ्राई करने के लिए हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है, अब हम इस तरह से घोल में डिप करेंगे और छानेंगे। गैस की आंच को मीडियम रखेंगे। इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे। वड़ा को हमने बीच बीच में चलाते हुए अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए वड़े को भी फ्राई करेंगे।
कट वड़ा बनकर तैयार है, अब हम परोसेंगे। प्लेट में कट डालेंगे। वड़ा रखेंगे। थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा आलू भुजिया डालेंगे, आप चाहे तो सेव डाल सकते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता। लीजिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।